नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ जजमेंटल है क्या का रिव्यू लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का नाम बदल दिया गया था, पहले इसका नाम मेंटल है क्या था, तो मेंटल है क्या से जजमेंटल है क्या कर दिया गया है। क्यों किया गया इसकी भी कोई वजह नहीं है, इसका नाम सेंटिमेंटल है क्या भी हो सकता था। सबसे पहले इस फिल्म के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकता कपूर को और शैलेश आर सिंह को, दोनों निर्माता हैं इसके, कि उन्होंने एक नए विषय पर बिल्कुल नए तरीके की फिल्म के लिए हाँ कहा और उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया रिलीज तक। फिर उसके बाद मैं नाम लूँगा कंगना रनौत और राजकुमार राव का, दोनों ने इस फिल्म में काम करने की सहमति दी और उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ एक नए किस्म के किरदार को निभाया है। फिल्म को कनिका ढिल्लन ने लिखा है, कनिका ढिल्लन अभी दो फिल्में लिख चुकी हैं, मनमर्जिया उनकी फिल्म आई थी, केदारनाथ उनकी फिल्म आई थी, उनकी ये तीसरी फिल्म है और उनकी फिल्मों में महिलाओं का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांगली आता है, अलग तरीके से आता है और नए किस्म की महिलाएं आती हैं, ट्रेडिशनल और जो क्लिशे हिंदी फिल्मों की हीरोइनें रही हैं उनसे बिल्कुल अलग ले जाती हैं, तो वो भी एक आस्पेक्ट है इस फिल्म का जो सराहनीय है। फिल्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो शुरू का नाम था मेंटल है क्या, ये दो असामान्य चरित्रों की कहानी है। वे दोनों असामान्य चरित्र इस फिल्म में घटनाओं की वजह से आमने सामने आते हैं और फिर उन दोनों के बीच जो एक मानसिक संघर्ष होता है, एक कह लें कि बाकी व्यक्तित्व का जो संघर्ष होता है, शको शुभा बनता है, एक रहस्य बनता है दोनों के बीच में, उस रहस्य को सुलझाने के लिए हम किस रोमांचक तरीके से फिल्म में आगे बढ़ते हैं, ये फिल्म के निर्देशक प्रकाश कोवला मुदीर जी ने बिल्कुल अलग अंदाज में और नए तरीके से शूट किया है। इसमें फिल्म में बहुत सारी खूबियां हैं, उन खूबियों में कह लें कि इसका रंग संयोजन, इसकी शिल्प, इसकी संरचना, सब कुछ चूँकि एक फिल्म नए फॉर्मेट में है तो उस तरीके से रची गई है। हाँ, दर्शकों के लिए ज़रूर थोड़ी सी डिमांडिंग फिल्म हो सकती है, इसलिए कि बिल्कुल नए किस्म की संरचना है और नए किस्म का विषय है, इसलिए हम ऐसी फिल्में देखते नहीं रहे हैं। हम ऐसी फिल्में नहीं देखते रहे हैं तो हमेशा जाहिर सी बात है कि हम चौंकते हैं थोड़ा। फिल्म में थोड़ी दिक्कतें भी हैं, दिक्कत इस तरीके की है कि जो कैरेक्टर जो निर्वाह किया गया है, कैरेक्टर जिस ढंग से गढ़ा गया है, उसमें कहीं कहीं तर्क की दिक्कतें होती हैं, कहीं कहीं कोहेरेंस नहीं मिलता है, अचानक से कुछ चीज़ें होने लगती हैं और कुछ ऐसे संयोग बिठाए गए हैं जिन संयोगों पर अचानक सहज विश्वास नहीं हो सकता आपका, लेकिन चूंकि फिल्म में ऐसी इस तरह की छूट ली जाती है, इसलिए ये देखने वाले के रवैये पर डिपेंड करता है कि अगर वो सहमत होता है कि नहीं होता है। बाकी कनिका ढिल्लन ने फिल्म के अंदाज से और फिल्म की ज़रूरत के हिसाब से एक रूपक इसमें बहुत अच्छे तरीके से समोया है, वह रूपक है सीता और रावण का, और सीता और रावण के इस रूपक को फ्यूचरिस्टिक रामायण के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें सीता जो बाद में कंगना रनौत प्ले करती है स्टेज पर, तो वो बोलती है कि अब रावण सीता के लिए नहीं आएगा, अब सीता रावण को ढूंढेगी और मारेगी। ये मॉडर्न रामायण है तो ये रावण जो रामलीला के रावण की तरह मरता है, ये राम के रावण की तरह तीर लगने से नहीं मरता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। अब फिल्म में गाने न के बराबर हैं, एक दो गाने हैं, बाकी जो वखरा एक जो बहुत पॉपुलर गाना इसका हुआ था वो फिल्म के अंत में आता है। मैं यहाँ पर कंगना रनौत और राजकुमार राव इन दोनों की तारीफ करना चाहूँगा कि दोनों ने जिस तरीके से इस किरदार को समझा, आत्मसात किया और पर्दे पर उतारा है, वह बिल्कुल उन्हें नए अंदाज में पेश करता है। कंगना के किरदार में कभी कभी थोड़ी सी झलक आ जाती है चूँकि वो ऐसे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, मेंटल कैरेक्टर वो करती रही हैं, चाहे वो क्वीन में हल्की सी झलक मिली हो, चाहे गैंगस्टर में मिली हो, उसकी झलक यहाँ भी आती है और इन दृश्यों में और ऐसे दृश्यों में वो बहुत कमाल का अभिनय करती हैं, तो वो अपने पूरे अंदाज के साथ और पूरे जोश के साथ यहाँ मौजूद हैं। राजकुमार राव बिल्कुल नए फॉर्म में हैं और नए लुक के साथ हैं और ये हिंदी फिल्मों का जो मैचो हीरो होता है, कहीं कहीं उनका वो अंदाज दिखता है। फिल्म में निगेटिव साइड है उनका और ग्रे साइड है, और ग्रे साइड में भी किस तरीके से राजकुमार राव
खुद को निकाल ले जाते हैं वह काबिले तारीफ है और हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। बाकी दो और किरदार हैं जिसमें अमाया दस्तूर ने और अमृता पुरी ने काम किया है और वो उनकी राजकुमार राव की प्रेमिकाएं बनी हैं, उनके जरिए वो आती हैं, लेकिन उनका काम बहुत छोटा सा है, कह लें कि सिर्फ उनके प्रेजेंस एक रेफरेंशियल है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा और चाहूँगा कि नई पीढ़ी के लोग जरूर इस फिल्म को देखें। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।